राज्याचे महामहिम राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे नांदेड दौऱ्यावर आहेत. सकाळी ते विमानाने नांदेडात दाखल झाले आणि त्यानंतर स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठात ते सकाळी दाखल झाले आणि विद्यापीठात असलेल्या वेगवेगळ्या उपक्रमांची पाहणी केली. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि गुरु गोविंद सिंग अध्यासन केंद्राला ते भेटी दिले व त्याचा आढावा घेतला. नांदेड वैसे ही बहुत पवित्र स्थल है, यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का निर्वाण स्थल है, इसलिए वैसे ही सोर्स ऑफ ए प्लेस ऑफ इंस्पिरेशन, क्योंकि मैं वाइस इसका चांसलर हूँ और चांसलर के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं हर यूनिवर्सिटी को देखूं. तो मैंने पिछले कोविड के कारण से सब जगह नहीं जा पाया, इस बार मैंने कहा कोविड थोड़ा कम हो रहा है इसलिए फिर से मेरा दौरा शुरू हुआ है. तो मैं नांदेड़ देखने आया तो यूनिवर्सिटी में विशेष करके ये जो बायोडाइवर्सिटी वादम बना रहे हैं, ये जो रेन हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और फिर कुछ स्टार्टअप के लिए काम कर रहे हैं, ये अच्छे काम है. और मुझे लगता है कि मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कलेक्टर साहब से भी कहा है कि इनको कोऑपरेट करिए और मैं कोशिश करूंगा कि सरकार के माध्यम से भी और सहयोग हो और ये काम और बढ़े और साथ ही साथ इसका लाभ गांव वालों को मिले, विलेजर्स को मिले, सिविल को, नागरिकों को मिले, ये होना चाहिए. सर, आपके दौरे को लेकर राजनीति की गई है महाराष्ट्र में, आपके दौरे को आप तो नहीं कर रहे ना राजनीति, आप कर रहे त्यानंतर खऱ्या अर्थानं अल्पसंख्याक विभागाच्या वतीनं बांधण्यात आलेल्या अल्पसंख्याक मुलींच्या वसतिगृहाचं उद्घाटन त्यांच्या हस्ते होतं. परंतु राज्यभरात चाललेल्या अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांच्या विधानानंतर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सदरील वसतिगृहाचं उद्घाटन करण्याचं टाळलं आहे. त्यानंतर ते पुढील कार्यक्रमासाठी निघून गेलेले आहेत.